तो ये क्वेश्चन नंबर वन देख सकते हैं, एक्सप्लेन द टैक्योमेट्रिक सर्वे। क्या है टैक्योमेट्रिक और टैलीमेट्री, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड द डिफरेंस, डिफरेंस किसके ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है कोई दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस पता करना है, या कोई वर्टिकल दो एलिवेशन है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है टेलीमीटर, ठीक है। और ये जो सर्वे किया जाता है इसी को बोला जाता है टैक्योमेट्रिक सर्वे। आगे भी लिखा हुआ है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द टैक्योमेट्रिक इज नोन एज अ टैक्योमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको टैक्योमीटर बोला जाता है। द मेथड ऑफ द टैक्योमेट्रिक सर्वे इज ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड, ODM भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसी की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को ODM भी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। अभी इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो क्योंकि 3 मार्क्स का है, इतने में लिखने में आपको होगा नहीं। और क्या लिख सकते हो, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज यूजफुल इन द कौन से फॉलोइंग सिचुएशन दिया, कौन कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं, जैसे कि वेन ग्राउंड सरफेस इज अनइवन, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे हो, उस जगह पे कर सकते हो। दिस मेथड इज कंसिस्टेंट फॉर द सर्वेइंग फॉर रोड कैनाल, रोड का कर रहे हो, कैनल का कर रहे हो, या रेलवे लाइन का कर रहे हो, ये उसके लिए यूजफुल है। वेन एरिया टू बी सर्वेड इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज एरिया हो तो उसका भी सर्वे करने के लिए हम टैक्योमेट्री का यूज करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द टैक्योमीटर, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों हम मेजरमेंट कर सकते हैं। चेन और टेप इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें चेन और टेप की रिक्वायर्ड नहीं होती है, इट इज लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि चेन और टेप नहीं कर रहे हैं और ये काफी डिस्टेंस तक होता है, तो इसीलिए मतलब इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। धन्यवाद।